अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील और आज हमारे साथ मोहम्मद अफरीदी मौजूद है और आज का जो हमारा मौजू है वो है लीडरशिप। तो मोहम्मद, आप हमें बताएं कि लीडर होता कौन है। तो असल में जो है वो बंदा जो कि किसी को लीड कर रहा हूँ, मतलब मैं हूँ और मेरे पीछे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो अगर मैं उन्हें सही डायरेक्शन पर लेकर जाऊँगा, उन्हें रास्ता दिखाऊंगा और उन्हें हर चीज़ के बारे में आगाह करूंगा, तो मैं हूँ उनका लीडर। तो इसी तरह लीडर्स वो होते हैं जो कि लोगों को बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं या उनको जो है मोटिवेट करते हैं या जो भी है उनकी प्रॉब्लम जो है हल करते हैं, वो लीडर। जी, तो आपने लीडर के बारे में बात की, तो लीडर के क्या क्वालिटीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, किसकी वजह से वो लीडर बनते हैं? तो असल में लीडर उनके बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो उसका मेन जो क्वालिटी होती है वो है विजन, मतलब उनकी जो सोच है, उनकी जो गोल है, वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लीडर। और हम जो है लीडर को इसी वजह से पहचानते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं नॉर्मल लोग, वो जो है इतना बड़ा सोच नहीं रखते, लेकिन जो लीडर होता है, रियल लीडर, उनका जो सोच होता है दैट्स फार देन उनका जो अपना सोच होता है, उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे बहुत बढ़कर होती है। तो उनका जो विजन होता है, उनका जो गोल होता है, उनका जो मिशन होता है, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कि बहुत वास्ट होता है। इसी ये पहली क्वालिटी एक लीडर की। दूसरी क्वालिटी जो मेरे ख्याल में एक लीडर की होनी चाहिए वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत करने का तरीका, बेस्ट तरीका, ताकि वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाए और उन्हें समझाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर एक लीडर है और वो किसी को चला रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, या उसे ये नहीं पता कि ये जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसे इन्हें कैसे कुछ समझाऊंगा, उनका जो सोच होता है दैट्स फार देन उनका जो अपना सोच होता है, उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे बहुत बढ़कर होती है। तो उनका जो विजन होता है, उनका जो गोल होता है, उनका जो मिशन होता है, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कि बहुत वास्ट होता है। इसी ये पहली क्वालिटी एक लीडर की। दूसरी क्वालिटी जो मेरे ख्याल में एक लीडर की होनी चाहिए वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत करने का तरीका, बेस्ट तरीका, ताकि वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाए और उन्हें समझाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर एक लीडर है और वो किसी को चला रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, या उसे ये नहीं पता कि ये जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसे इन्हें कैसे कुछ समझाऊंगा, अगर ये उसे नहीं आती और वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है तो वो लीडर नहीं हो सकता। तो लीडर वो होता है जो कि अब उसकी बात में जोर होता है, दम होता है, जो लोग उसे सुनते हैं एंड दे एक्सेप्ट कर, तो अगर वो बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, तो जो भी लोग उन्हें सुन रहे होते हैं या उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं तो वो उनकी बातों से जो है मुत्तफिक होते हैं और उनकी जो भी राय होती है, जो भी डायरेक्शन होती है उसे फॉलो करते हैं। तो उनके जो है बातों में जोर होता है, दम होता है, और वो जो लोग उसे फॉलो करते हैं दे एक्सेप्ट हिम एज़ देयर। जी, तो आपने बहुत मुख्तसर जवाब दिए, तो आप हमें बताएं कि आजकल ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? तो आजकल जो है देखिए, आपने जैसे सवाल किया ट्रस्ट के बारे में, तो ट्रस्ट बिल्ड करना ये आजकल आसान नहीं है, और एक लीडर जो होता है उसे लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उन्हें ट्रस्ट करते हैं, अगर वो ट्रस्ट ना करें देन ही कैन नॉट बी अ लीडर। वो लीडर हो सकता है, मतलब ही कैन बी, बट जो लोग उसे फॉलो नहीं करते सो हु विल ही लीड। तो ट्रस्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट और ये एक लीडर को बनाना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का ट्रस्ट ना हो किसी पर, मतलब के एक लीडर है और जो उसे फॉलो करते हैं उनका ट्रस्ट ही उस लीडर पर ना हो, तो हाउ विल दे एक्सेप्ट हिम, हाउ विल दे फॉलो हिम। तो ट्रस्ट बिल्ड करना ये बहुत मुश्किल है आजकल, लेकिन अगर एक बंदा जो है बहुत मेहनत करे तो देन ही कैन बिल्ड ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड करना जो है इट्स इट टेक्स ईयर्स, एक कोटेशन है, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉर एवर टू रिपेयर, मतलब कि अगर
ट्रस्ट बिल्ड करवाना है ना, तो वो बहुत ज़्यादा साल लेंगे। लेकिन अगर ट्रस्ट को तोड़ना है वो कुछ सेकंड में तोड़ जाए, लेकिन अगर उस ट्रस्ट को वापस दोबारा से जोड़ना है वो हमेशा लेगा उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। एग्जांपल है ग्लास की, अगर ग्लास टूट जाए उसे रिपेयर करना दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके छोटे पीसेस जो है ना वो फिर भी उधर ही रहे। जितनी भी आप कोशिश करें अगर आप उसे मेल्ट करेंगे देन यू कैन रिपेयर इट, अदरवाइज वो रिपेयर नहीं हो सकता है। तो ट्रस्ट इज सेम दैट यू कैन नॉट रिपेयर इट ईजीली, और ट्रस्ट जो है इट टेक्स केयर टू बिल्ड। तो इसलिए जो है एक लीडर को ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या नॉर्मल बंदा भी हो तो ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आपने कभी भी ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है, जब आपने तोड़ लिया देन whoever will believe in you, whoever will be trusting in you, उन सारों का ट्रस्ट आपके खत्म हो जाए। जी तो आज का टॉपिक को आप कंक्लूड करें। ज़रूर देखें, जैसे हमने लीडरशिप के बारे में बात की है, लीडर कौन होता है और उसकी क्वालिटीज क्या होती है। तो एक लीडर जो है, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो वो ही इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और वो एक मेन पॉइंट होता है लोगों को लेकर जाने के लिए और लोगों को सक्सेसफुल करवाने के लिए। अब एग्जाम्पल ले पास्ट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा लीडर्स कुछ हैं, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस उनका जो है, लेकिन उनका जो मेन पॉइंट था वो था ट्रस्ट, लोगों का उन पर ट्रस्ट था, इसलिए वो जो है कामयाब हुए। हमारे प्रॉफिट जो है बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट वर्थी पीपल फॉलोड हिम, पीपल यू नो गिव देयर जो उनका माल है उन्होंने प्रॉफिट भी किया। सो ट्रस्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और उसके साथ साथ लीडर जो है इज द वेपन, मतलब अगर वो किसी को सीधे रास्ते पर लेकर जाना चाहता है ही कैन डू दैट, अगर नेगेटिव रास्ते पर लेकर जाना चाहता है सो वो भी कर सकते हैं। तो लीडर के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और उसी के साथ साथ उसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। और जो लोग डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, जो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते उनको भी मोटिवेट करना बहुत अहम होता है लीडर के लिए, क्योंकि अगर वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा, अल्टीमेटली जो लोग उन्हें फॉलो करेंगे दे विल गो ऑन अ साइड, और वो बुरे रास्ते पर भी जा सकते हैं, बुरे रास्ते पर, और या जो उनका जो मेन गोल है तो अगर उनमें से मेन बंदा चला गया तो और करेगा कौन, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोटिवेशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये भी एक लीडर की जो है क्वालिटीज होती है। जी तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। तो आज के लिए इतना ही, आपको पसंद आया होगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट।